है माय यूट्यूब फैमिली, तो सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं अगला टॉपिक लेके आ चुकी हूँ। पहला हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका था, जनसंचार की परिभाषा और उसकी माध्यम। तो हमें जनसंचार के महत्व के बारे में भी पढ़ना था, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो आज मैं वो वीडियो लेके आ चुकी हूँ। जो लोग जनसंचार के परिभाषा और माध्यम का वीडियो नहीं देखे होंगे, वो जाके मेरे चैनल पर देख ले। और चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने सरल भाषा में बताने समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव जीवन के विकास के लिए जनसंचार एक संजीवनी बूटी बनकर उभरा है। मतलब मानव जीवन, मतलब हम लोगों के जीवन के विकास के लिए जनसंचार है, वो किस तरह से बनकर उभरा है, तो संजीवनी बूटी की तरह। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में जनसंचार का, हमारे जीवन का विकास के लिए। इसके बिना हमारे जीवन का विकास लगभग असंभव था। और आज जो हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, हर चीज़ में डेवलप कर चुके हैं, अगर जनसंचार नहीं होता तो इसके बिना ये सब असंभव था, मतलब होना मुमकिन नहीं था। फिर आइए जानते हैं मानव जीवन में जनसंचार की उपयोगिता एवं महत्व क्या है। चलिए मतलब कि जानते हैं कि जीवन में, हमारे जीवन में जनसंचार की उपयोगिता और महत्व क्या है। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, जो लोग जनसंचार की परिभाषा और माध्यम का वीडियो नहीं देखे होंगे, वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखिएगा तब तक ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखें, तब इस वीडियो में आए तो बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर है क्या है जो इसे इतना खास एवं महत्वपूर्ण बनाती है। मतलब बोला जा रहा है कि चलिए हम लोग जानते हैं कि मानव जीवन में जनसंचार की उपयोगिता एवं महत्व क्या है, जो इसे इतना खास एवं महत्वपूर्ण बनाती है। ऐसा क्या उसकी महत्व है जनसंचार के हमारे जीवन में, जो इसको इतना महत्वपूर्ण और ख़ास बनाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पॉइंट वाइज समझाया गया है यहाँ पे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है लोगों को सूचित करना। क्या है पहला पॉइंट? कि लोगों को सूचित करना, जनसंचार का जो उपयोग होता है उसकी महत्व है। तो उसके महत्व क्या है? पहला लोगों को सूचित करता है। क्या करता है? कि जनसंचार का एक प्राथमिक उद्देश्य है जनता तक सूचना का संचार करना। मतलब जो जनसंचार है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जनता तक सूचना का संचार करना। मीन जनसंचार का क्या काम है? हम लोगों तक, एक एक आदमी तक जो भी न्यूज़ है, खबर है, जो भी सूचना है, उसको संचार मतलब फैलाना, लोगों के बीच में फैला देना। हम जाने, हमसे आप जाने, आपसे कोई और जाने, ऐसे करके जनसंचार है वो लोगों को सूचित करता है। फिर है जनसंचार के बारे में जानकारी शिक्षा और मौसम के साथ साथ उत्पादों और सेवाओं से संबंधित हो सकती है। क्या बोला जा रहा है? कि जनसंचार के बारे में जानकारी शिक्षा और मौसम के साथ साथ उत्पादों और सेवाओं से संबंधित हो सकती है। मतलब जनसंचार जरूरी नहीं कि कुछ एक घटना ही हो, ऐसा नहीं। शिक्षा से भी रिलेटिव हो सकता है, आज का मौसम क्या होगा, कल मौसम क्या होगा, 2-4 दिन बाद मौसम क्या आने वाला है, अनुमानित करके हमें जनसंचार के माध्यम से हमें पता चलता है। और उसके साथ क्या क्या सेवाएँ हैं, क्या क्या उत्पादित हो रहा है, हर चीज़ से रिलेटिव हमें सूचना मिलती है। जरूरी नहीं एक ही चीज़ से हमें सूचना मिलती है, अच्छा बुरा, कहाँ पे क्या होने वाला, क्या नहीं होगा, फ्यूचर पास्ट सब पता हमें चलता है जनसंचार के माध्यम से। तो पहला क्या पॉइंट हम लोगों का बना? लोगों को सूचित करना। यहाँ पे जो लिखा है, आप जरूरी नहीं कि यही पैराग्राफ को उठा के आपको एग्ज़ाम में लिखना। आप अपने भाषा में समझिए कि हमें क्या समझ में आ रहा है, वही चीज़ आप अपने भाषा में एग्ज़ाम। यहाँ पे तो 2-4 लाइन ही लिखा हुआ ना, अगर आप समझ जाते हैं तो आप इसको 8, 10, 12, 15 बहुत सारे लाइन में लिख सकते हैं, और वैसे ही एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स भी आएगा आपका। तो बिल्कुल आप जो हम समझाते हैं उसको समझिए, और जो हम जितना समझाते हैं उससे 4 गुना आप खुद से जोड़ के समझिए। तो चलिए हम ज़्यादा बकबक ना करते हुए सेकेंड टॉपिक शुरू करते हैं। सेकेंड हमारा जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण, जनसंचार का भी महत्वपूर्ण लक्ष्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मुद्दे पर जनमत तैयार करना है।
मतलब क्या है, जन संचार का महत्वपूर्ण लक्ष्य, उसका जो लक्ष्य होता है, जैसे मेरा हम लोग का लक्ष्य कुछ होता है कि मुझे ये करना है वो करना है, तो उसी तरह जन संचार का जो लक्ष्य है वो है राष्ट्र या अंतर्राष्ट्र किसी भी मुद्दे पर जनमत तैयार करना। मतलब कि कोई भी मुद्दा हुआ, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हम लोगों का सरकार कुछ डिसीजन ले रहा है कि ये हमारा देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो जनसंचार जो है वो एक एक लोग का मत लेता है। जनसंचार के माध्यम से एक एक व्यक्ति, आम व्यक्ति का भी मत पता चलता है कि उसका इसमें क्या कहना है, हामी भरना या नामी, तो उसको ये मंजूर है या नहीं मंजूर है। तो ये किसके द्वारा संभव हो पाता है, तो जनसंचार के द्वारा ही हो पाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि महत्वपूर्ण लक्ष्य राष्ट्र या अंतर्राष्ट्र किसी भी मुद्दे पर जनमत तैयार करना होता है, वो चाहे कोई भी मुद्दा हो उसमें वो जनमत मतलब लोगों का भी मत को वो शामिल करता है। फिर है मास मीडिया अपने दर्शकों को दुनिया के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण, नेताओं की गतिविधियों और सरकारी नीतियों को लेकर जनमत बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो मीडिया लोग होता है टीवी में जो हम लोग देखते हैं न्यूज़ खबर, तो ये मीडिया अपने दर्शकों को दुनिया के बारे में, मतलब जो मीडिया होती है वो अपने दर्शकों को, जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल हम कुछ और न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, कोई कुछ और देख रहा है, तो उसका जो मीडिया जो बोलता है माइक लगा के, वो पूरे अपने दर्शकों का, आखिर वो जिसका न्यूज़ देख रहे हैं जो मीडिया वाला, आखिर उसका दर्शक तो हम ही लोग हुए। तो क्या बोला जा रहा है कि मीडिया अपने दर्शकों को दुनिया के बारे में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण, मतलब पूरे दुनिया के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण, नेताओं की गतिविधियां और सरकारी नीतियां को लेकर जनमत बनाने की कोशिश कर रहा है। मीन यथार्थवादी मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, फिर नेताओं की क्या गतिविधियाँ, नेता लोग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सभी हमें जनसंचार के माध्यम से वो लोग बताते हैं। तो फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोगों को मनाना। मतलब जनसंचार के महत्व में एक ये भी पॉइंट आता है, लोगों को मनाना। जनसंचार लोगों को मनाने के लिए जैसे धूम्रपान, मतदान, धार्मिक प्रतिबद्धता या दान दहेज, संस्कृति और अन्य विषयों जैसे मुद्दों की एक किस्म पर अपने विचार, विश्वासों, नज़रिए और सोच को बदलने के लिए करना है। मतलब जनसंचार लोगों को कैसे मनाता है, जनसंचार के माध्यम से, जैसे कि आप टीवी में प्रचार देखते हैं सिगरेट कितना हानिकारक है हम लोगों के लिए, तो उसके बारे में हमें बताता है। फिर मतदान कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, एक एक वोट, वो भी जनसंचार के माध्यम से बताता है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एक बुरी चीज़ हम लोगों को सीख बताया और एक अच्छी चीज़ कि मतदान भी हमें देना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है तीसरा, लोगों को मनाना, इससे ये क्या क्लियर हो रहा है कि जनसंचार लोगों को मनाने में कैसे सक्षम होता है, प्रचार के जरिए, कोई भी जरिए, जैसे धूम्रपान हमारे लिए हानिकारक है, वो लोगों को मनाता है जनसंचार के द्वारा, जनसंचार करके। उसी तरह है धार्मिक प्रतिबद्धता या दान दहेज, संस्कृति और अन्य विषयों जैसे मुद्दों, ठीक है, मतलब ये सब कुछ नाम लिया है, इसके अलावा और भी अनेक मुद्दा होता है, उन लोगों के बारे में विचार करना, उसके बारे में उसके नज़रिए को बदलना, सोच को बदलना, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है उस चीज़ पे ही गौर करवाना, वही इस टॉपिक पे बोला जा रहा है। फिर लोगों का जो सोच होता है उसको बदलना, जैसे कि दहेज वगैरह, लोग आजकल 10 लाख 8 लाख 12 लाख डिमांड सिर्फ दहेज डिमांड करते, सामान वान तो अलग से होता है, इसके प्रति कोई फिल्म के माध्यम से, नाटक के माध्यम से लोगों को दिखाया जाता है, सोच बदला जाता है कि कैसे लोगों तक सोच बदला जाए, वो बहुत अच्छा होता है फिल्म के ज़रिए, जो हम लोग देख के समझते हैं। फिर अपना संस्कृति क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या है हमारा संस्कृति और क्या नहीं है, ये सब में अंतर स्पष्ट करना और लोगों के नज़रियों को बदलना, सोच को भी बदलने का काम करता है जनसंचार। फिर आगे है व्यवसाय संभावित ग्राहकों को समझाने के लिए विज्ञापन भी बनाते हैं। मीन जो व्यवसाय करता है ना, जो लोग काम करता है अपना सामान को बेचना है, तो ग्राहकों को समझाने के लिए विज्ञापन भी करते हैं, जैसे कि हम लोग को प्रचार के थ्रू दिखाता है, कोई फेस वॉश हो गया या कोई भी क्रीम, पेड
कॉपी, पेन, कुछ का भी ऐड हो सकता है। वो जो हमारा प्रचार होता है, प्रचार के माध्यम से हम लोगों को समझाया जाता है कि इस चीज़ में ये चीज़ पाया जाता है, इसकी क्वालिटी ये है, इसमें ये खूबी ये है, सारा चीज़ बताया जाता है, तभी हम जान पाते कि अच्छा मार्केट में ये चीज़ भी आया है जो कि इसमें ये सुविधा मिलेगी और हम उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। तो वही बोल रहा है कि व्यवसाय संभावित ग्राहकों को समझाने के लिए विज्ञापन भी बनाते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकारी नीतियाँ प्रसारित करना। सरकारी की जो नीतियाँ होती है उसको प्रसारित करना मतलब प्रचार करना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जनसंचार सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को वितरित करने के उद्देश्य से भी कार्य करता है। इन नीतियों को जनसंचार माध्यमों के माध्यम से शीघ्रता से जनता के ध्यान में लाया जा सकता है। मतलब पहला पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि जनसंचार सरकारी नीतियाँ मीन सरकारी में जो नियम कानून हो रहे हैं और कार्यक्रमों उसमें क्या क्या काम किए जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या किया जाएगा, जो प्लानिंग बन रहा है, कार्यक्रमों को वितरित करने के उद्देश्य से भी कार्य करता है। मतलब कि एक लाइन में अपना भाषा में समझिए कि जो सरकारी नीति मतलब कि सरकार में जो नियम कानून काम धाम जो भी हो रहा है उसके कार्यक्रम उसमें क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या हो चुका है, ये सारा चीज़ का जो जानकारी है जनसंचार के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचता है। उसका उद्देश्य होता है कि ये सब सारे चीज़ को जनसंचार करे में लोगों के बीच में पेश किया जाए, पहुंचाया जाए ये बातों को। फिर है इन नीतियों को जनसंचार माध्यमों के माध्यम से शीघ्रता से जनता के ध्यान में लाया जा सकता है। वही बात कहा जा रहा है कि ये सब जो भी हो रहा होता है तो जनसंचार इसमें बड़ा भूमिका क्या निभाता है कि जल्दी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और जनता को अपना ओर खींचता है कि हाँ सरकारी नीतियाँ में ये चीज़ हो रहा है, ये कार्यक्रम बन रहा है, ये होने वाला है। तो जनसंचार अपने ओर लोगों को आकर्षित करता है। जनसंचार के ही माध्यम से हर एक आदमी आम आदमी भी जान पाता है कि सरकार में क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, हर चीज़ आज के लोग फटाफट जान जाते हैं। वहाँ क्या हो रहा है हम लोग लाइव देखते हैं, लाइव सुनते हैं कि हाँ अभी सरकार ये कर रहा है, ये डिसीजन लेने वाला है, ये डिसीजन ले चुका है। ये था हमारा सरकारी नीतियाँ प्रसारित करना पॉइंट। तो आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसार करना। मीन्स स्वास्थ्य और जो हमारा शिक्षा कार्यक्रम है उसकी प्रसार मीन प्रचार करना। तो इसमें है सरकार टीकाकरण, जन्म नियंत्रण, स्वच्छता, खुली शिक्षा, जन शिक्षा आदि साहित्य विभिन्न शैक्षिक और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पेशकश करती है। मतलब जो हम लोगों का होता है ना, देखते होंगे आंगनबाड़ी जो होता है कि टीकाकरण होता है, जो इंजेक्शन मिलता है बच्चे लोग को, जो नए बच्चे जन्म लिए होते हैं तो 24 घंटा के अंदर 3 इंजेक्शन मिलता है, फिर 3 महीने में, फिर 9 महीने में ऐसे करके इंजेक्शन मिलते हैं जिसको हम लोग टीकाकरण बोलते हैं। और है जन्म नियंत्रण, मतलब जन्म कितने लोग जन्म लिए हैं उसकी गणना करना, फिर स्वच्छता स्वच्छता के लिए, फिर खुली शिक्षा, जन शिक्षा आदि साहित्य विभिन्न शैक्षिक मतलब विभिन्न पढ़ाई के मामले में, मतलब शैक्षिक जो लोग शिक्षित हैं उस माध्यम में, और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पेशकश करती है। और जो स्वास्थ्य से जुड़ी है मीन जो हमारे डॉक्टर बोल सकते हो, हॉस्पिटल, ये सबसे जो जुड़ी है स्वास्थ्य से, उसकी कार्यक्रम पेशकश की जाती है। मतलब कि पेश की जाती है उसके कार्यक्रम में, डेट होता है कि इस तारीख को होने वाला, जैसे कि टीकाकरण ही है, एक एग्जैक्ट डेट होता है कि इस डेट को टीकाकरण होने वाला है बच्चे लोग का। तो सब आंगनबाड़ी को जो बोलने वाली होती है सही है, वो आके घर घर बोल जाती है, तो उस डेट को फिर टीकाकरण होता है, सारे लोग जाते हैं टीकाकरण करने के लिए। तो उसी तरह हर चीज़ की एक कार्यक्रम होती है जो कि पेश की जाती है, और इसका जनसंचार में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जनसंचार के माध्यम से ही होता है। क्योंकि जैसे क्या ये समझ लीजिए, सहिया ही मेरे पास बोलने आई तो सहिया जनसंचार ही कर रही है, वो सबके पास जा जा के खबर को दे रही है, संचार कर रही है लोगों के बीच में कि इस तारीख को टीकाकरण आप लोगों को आना है। तो ये इसमें भूमिका निभाया। फिर है
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ये कार्यक्रम रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्रों जैसे जन माध्यमों के माध्यम से वितरित और कार्यान्वित किए जाते हैं। मतलब कि ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो कार्यक्रम है, जो ये कार्यक्रम करवाते हो, किसके माध्यम से उसका प्रचार प्रसार होता है, लोगों तक बात पहुँचता है, तो रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और जन माध्यम से, मतलब लोगों के भी माध्यम से, लोगों के माध्यम से जैसे आगे वही सही है, जो कि टेलीविज़न या समाचार में उसके बारे में नहीं बोला जाता है, खुद से सही लोग आके घर घर में बोल जाती है, तो वो जन माध्यमों के द्वारा हो गया। ये सब के द्वारा जन संचार किया जाता है, लोगों तक बात पहुँचाया जाता है कि इस तारीख को, इस दिन को कार्यक्रम रखा जाएगा। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, तो आप लोग जितना मैं बताती हूँ उसे सुनिए और इसमें खुद से भी जोड़ने का कोशिश कीजिए, थोड़ा एग्ज़ाम में बढ़ा के लिखने का कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छे से खुद से समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली लिख पाएंगे, और इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, आप बस सुनिए जो हम बोलते हैं ना, इसको ईयरफोन लगा लीजिए और बार बार सुनिए और समझिए कि मैं क्या समझा रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ, उस चीज़ को समझते जाइए, आप इजीली समझ जाइएगा और आपको एग्ज़ाम लिखने में कोई तकलीफ ही नहीं होगा, आप आराम से लिख पाइएगा, और जितना मैं बोल रही हूँ ना इससे आप दुगना चार गुना लिख के आएंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो वीडियो, अच्छा लगा हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो तो बिल्कुल बताना ना भूले, क्योंकि मैं एक्साइटेड रहती हूँ कि कैसा कैसा कमेंट आने वाला है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी फीलिंग्स है, तो कमेंट से ही मैं जुड़ी रहती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और जो वीडियो आपको चाहिए कमेंट के ज़रिए पूछिए हमसे, और जो वीडियो नहीं देखे हो वो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत खुशियाँ।